सोमवार को भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर के सभागार में मासिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जिला भर से आए कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस दौरान डॉक्टर नेकराम संख्या बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविन्द्र ठाकुर ने की। संगोष्ठी में मौजूद कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जहां इंसान के जीवन की कहानी को प्रस्तुत किया, वहीं समाज की कुरीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया। जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी ने बताया कि हर माह विभाग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसमें वरिष्ठ साहित्यकारों और कवियों के साथ नवोदित कवि भी शामिल होते हैं। चाहे कितने भी आए तूफान, चाहे कितने भी आए तूफान, सागर अड़िग रहता है। ऊपर से खारा दिखने वाला अंदर से रत्नों से भरा रहता है। क्या नदियां नाले यही सिखाते, पत्थर कंकड़ साथ बहाते, लक्ष्य अपना कभी ना बताते, जाकर सीधे सागर में मिल जाते। गीता का शीर्षक है, यूं ही नहीं टूटा है पहाड़, कुछ तो था जो घटा है इसके भीतर और बाहर कई वर्षों से। यूं ही नहीं टूटा है पहाड़, कुछ तो थी मौसमों की मार और पीठ पर सवार था उम्मीदों का भार। अपनी मर्जी से भला कब टूटा है पहाड़, यहाँ जंगल के भीतर पेड़ों के बदले उग आए हैं घर और घरों में डेरा डाले बैठा है बाजार। कम नहीं है फिर भी इस जिंदगी से हसीन कुछ नहीं है, फिर भी क्या है जिंदगी बस एक खाब है। जिंदगी एक शोर है यहाँ जोर ही जोर है। जिंदगी एक शोर है यहाँ जोर ही जोर है, यह जिंदगी बड़ी घनघोर है, फिर भी लगता है जैसे यह जिंदगी नई उम्मीदों की ओर है, फिर भी जिंदगी एक ख्वाब है। उठा के पुत्र नौकरियां लगाया कर, जा उठा के पुत्र नौकरियां लगाया, आज पैसे पैसे नो तरस दिया मामा दुधन पुत्र बारे, आज पैसे पैसे नो तरस दिया मामा दुधन पुत्र बारे। विभाग द्वारा राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर अनेक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्तरीय का लेखक और कवि आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर हम मासिक गोष्ठी 20 तारीख को करते हैं, इस बार 21 को की गई क्योंकि 20 को छुट्टी थी। तो ये एक खुला मंच है जिसमें जो नए लेखक कभी भी आ सकते हैं और जिनकी रचनाएं अभी अच्छे से परिपक्व नहीं है वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कोई लोकगीत के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, कोई संस्मरण के द्वारा, कोई कहानी के द्वारा, तो अपने अपने तरीके से जिस तरह भी कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे कर सकता है। तो एक ऐसा मंच है जहाँ पे उभरते हुए हमारे कवि और लेखक आते हैं, जो अपने सीनियर हैं उनसे कुछ सीखते भी हैं और आगे उनकी कला को प्रोत्साहन भी मिलता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।